पहले हम सबसे पहले आग जलाएंगे। आज इसे हम बनाएंगे घी के अंदर, ऑयल के अंदर, ताकि ये ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनती जितनी घी के अंदर बनती है। ये हमने आधा किलो घी डाल दिया है। घी जी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये जी अब हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे दरमियाने साइज का एक प्याज, बारीक बारीक कटा हुआ। प्याज को जी हम एक मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद हम फिर इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन कुटा हुआ। एक मिनट तक जी हमने प्याज को फ्राई किया, अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक और लहसुन कम से कम खाने वाले 3 चम्मच कुटे हुए। इसके बाद जी हम इसके अंदर डालेंगे 4 किलो हमारे पास मटन है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा मटन, अच्छे तरीके के साथ हमने धो लिया था पानी के साथ। और इसके साथ है चर्बी, खाने वाला 1.5 चम्मच नमक का डाल देंगे। इसे जी अब हम 8 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ घी के अंदर भूनेंगे। ये जी अब हमने 8 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ भुना है मटन को, 8 अदद सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। तीन पाव टमाटर, दो छोटी इलायची, थोड़े से लौंग, थोड़ा सा जीरा, बड़ी इलायची,
अब जी हम टमाटरों को और सब्ज मिर्च को अच्छे तरीके के साथ भूनेंगे घी के अंदर। ये जी अब टमाटर का छिलका उतार लेंगे हम। टमाटरों को जी हमने अच्छे तरीके के साथ मैश किया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, कम से कम 1 लीटर पानी। ढक्कन अब इसका हम बंद कर देंगे जी कम से कम 35 मिनट तक, ताकि मटन हमारा अच्छे तरीके के साथ गल जाए। ढक्कन लेके शुक्रिया। 35 मिनट के बाद जी हम इसका ढक्कन खोलेंगे फिर। ये जी तब तक जी हमारे 35 मिनट पूरे होते हैं, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये जी लॉन बना हुआ है बहुत सा प्यारा सा माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, ये जामन का दरख्त है। इस मरतबा माशाल्लाह इसे काफ़ी सारी जामने लगी थी, अभी ख़त्म हो चुकी हैं। ये दूसरा दरख्त भी जामन का है माशाल्लाह। ये पता नहीं कौन सी बेल है, ये अमरूद, ये माल्टा, ये सात कली माशाल्लाह। ये जी लगे हुए हैं माशाल्लाह, माल्टे लगे हुए हैं, ये अमरूद है, वो सामने भी अमरूद ठहरा हुआ है दूसरी साइड पे। ये फालसे का है दरख्त पौधा, ये चीकू से लगे हुए हैं माशाल्लाह, फल लगा हुआ है चीकू को। ये देखें ये लगा हुआ है माशाल्लाह, ये भी लगे हुए हैं। ये अमरूद, ये सब्ज मिर्चें, ये फल लगा हुआ है पका हुआ है, परिंदे खा गए इसे। ने खाया हुआ है। ये लेमन, इनका नाम नहीं आता मुझे। ये गुलाब, ये भी खुशबू वाली बूटी है, इसका भी नहीं पता। ये आम, आम का दरख्त है। ये पता नहीं कौन से फूल हैं, खुशबू तो अच्छी है इनकी। ये सामने जी परिंदों के घर बने हुए हैं, बॉक्स लगाए हुए हैं। ये बड़े भाई का घर है, भाई इमरान का, माशाल्लाह बहुत सेटअप अच्छा किया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। चलो जी अब हमारे 35 मिनट पूरे होने वाले हैं, हम चलते हैं किचन वाली साइड पे। ये जी अब हमारे 35 मिनट पूरे हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। आधा पाव इसके अंदर हम दही डाल देंगे, मलाई सा दही को जी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ भूनेंगे घी के अंदर।
ये जी अब हमने दही को 3 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ भुना है घी के अंदर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च, खाने वाला 1 चम्मच काली मिर्च पिसा हुआ पाउडर, एक चम्मच सूखा धनिया, चाय वाला चम्मच, बल्कि 1.5 चम्मच डाल दें चाय वाला। अब जी हमारी मटन कढ़ाई तैयार है, अब हम कराएंगे चाचू को पहले टेस्ट, उसके बाद फिर हम इसका लेंगे रिव्यू। अब जी सिलेंडर बंद कर देंगे, इसने ऊपर अपना घी छोड़ दिया है, मटन कढ़ाई हमारी तैयार है काली मिर्च और साबुत मिर्च वाली, सिलेंडर हमने बंद कर दिया। ये तब ठंडी हो गई, ऊपर इसने अपना घी छोड़ देना है, घी अभी आ चुका है इसके ऊपर, ये देखिए। ये जी सालन पहले हम खा लें, बाद में हम इसका फिर आपको रिव्यू देंगे। ये जी अब्दुल सलाम साहब भाई आ चुके हैं, कज़न साहब आई हैं, सर हमने खाना कुछ खा लिया, आपका हिस्सा रखा हुआ है, मैं और डाल के लाता हूँ डोंगे के अंदर सालन। नहीं नहीं मलेर की ना चास है, हाय अखा नहीं खोल दिया मलेर दी। ये जी अब दूसरा डोंगा आ चुका है सालन का, माशाल्लाह शुरू कर दिया खिलाड़ियों ने मैच, देखते हैं कितनी देर में ये खत्म होता है डोंगा। 4 किलो मटन खत्म हो गया भाई। हाँ जी माशाल्लाह। हाँ पीछे खत्म हो गया, यही है आखिरी, ये ऐसा नहीं करवा। नहीं नहीं भाई यही है वल्ला। ये जी अब हमने खाना खा लिया है, अब रिव्यू लेंगे भाई अब्दुल सलाम से। जी अब्दुल सलाम भाई कैसे आपको लगा हमारा खाना मटन कढ़ाई? माशाल्लाह बहुत बढ़िया भी था, इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया, मैंने 1 किलो दांतों के अंदर खड़ा कर लिया, तो वो खा रहा हूँ। ठीक है जी जसनाउल्ला वीआईपी जी, ये हफ्ते 4-5 मटन खाए हैं, लेकिन ऐसा जायका जो है ना ये वीआईपी बना था। शुक्रिया जी। जी अब्दुल बासित भाई आदम भाई आपके सामने ही हालत है, इतना खाया है अब उठ के बैठ भी नहीं हो रहा, इसीलिए लेटे हुए हैं, जबरदस्त। ठीक है शुक्रिया।